पर एक बात आपको और बताता हूँ, ये हमारे तोते, तोतों के लिए जो मैं कर सकता था वो ये किया कि मैंने यहाँ पर छोटा एक पंखा लगा दिया। ये पंखा चल रहा है, बंद करता हूँ फिर आपको पता चलेगा। ये देखें, यहाँ पर एक छोटा पंखा लगा दिया जो इन्हें हवा दे रहा है। पहले ये यहाँ पर पड़ा हुआ था लेकिन अब मैंने वहाँ पर कर दिया तो ऐसे इन्हें हवा मिल रही है। वो देखें, बड़े आराम से उनसे बैठे हुए हैं। और अब दोस्तों चलता हूँ नीचे क्योंकि मैंने अंडा फ्रिज में रखना है और अभी इंक्यूबेटर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। चूज़े हमारे पास हैं, मुर्गी केयर कर रही है तो हम रखेंगे अंडे तो वो फिर मुझे केयर करनी पड़नी है चूज़ों की। तो इस वजह से अब ये हमारा काम मुर्गियाँ कर रही हैं। हमें 2 कुड़क मुर्गियाँ मिल गई थी और यहाँ पर जो हमने खुद केयर करके चूज़े निकाले थे वो ये हैं, ये जो इस खुडे में है। ये तो नहीं, यहाँ पर एक ये मुर्गी, वो मुर्गा और ये मुर्गा, 4 चूज़े हमने अपने इंक्यूबेटर से निकाले थे और बड़े किए थे। और ये तो हमें चूज़ा मिला था इसे बड़ा किया और ये मुर्गी मेरे पास बड़ी आई थी। तो अब मैं करता हूँ दरवाज़ा बंद, अंडा नीचे रख के आऊँ और फिर आके आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। और यहाँ पर ना एक सीन मिस हो गया, बड़ा प्यारा सीन था। वो सीन ये था कि मुर्गी के ऊपर चूज़ा चढ़ के बैठा हुआ था, मुर्गी के ऊपर बैठा हुआ था। तो अभी शायद दोबारा भी ऐसे करें। ये दोस्तों मुर्गियों को मैंने बंद कर दिया और सिंक की थोड़ी सफाई कर ली है और साथ में दोरियां धो ली हैं मैंने और बोतलें भी पानी के भर के ले आए हैं। ऊपर वाले जो हैं ऊपर बोतलें मैं रख दी हैं और सफाई सिंक की मैंने इस वजह से की है क्योंकि ना ये जब कम ऊपर आए तो आपका शोर मचा रहे हैं, मुझे देख के ना दरवाज़ा के पास खड़े हो रहे हैं बार बार। तो मैंने कह इनके यार इन्हें बाहर आज निकालता हूँ। जब से ये मुर्गी ने चूज़े दिए हैं मुर्गी भी नहीं बाहर निकली और ना ये चूज़े बाहर निकले हैं। अब ये देखिए कैसे आ गए हैं। तो आज इन्हें मैं बाहर निकालूंगा अपनी मौजूदगी में। मैं इस पास से निकालता, बिल्ली भी थी हमारे उसमें भी बच्चे दिए हुए थे तो वो भी आसपास ही रहती थी और साथ में कौवे वगैरह भी। और लेकिन आज मैं निकालूंगा इन्हें और ध्यान रखूँगा कोई कौवा वगैरह ना आए। अरे दोस्तों आते ही वो कचरे के बीच चले, कचरा मैंने साइड पे किया था उसके बीच है कुछ लेकिन वो नहीं, हम ये इनके पास रखते हैं। आज जो भी ये खाओ, मुर्गी बुलाएगी नहीं इधर। और ये मुर्गी भी बाहर आना चाह रही थी और हमारी ये मुर्गी भी, ये मुर्गी तो बहुत ज़्यादा कर बाहर आना चाह रही थी क्योंकि आके ग्रिल को मारती थी। इसे भी हमने बाहर निकालना है और अभी इसे निकाला है हमने। झाड़ू पास से उठा देते हैं, इसे यहाँ कर देते हैं। अब हम इन्हें बंद करते हैं और दूसरी मुर्गी को खोलते हैं, वो भी बेचारी इंतज़ार कर रही है। दोस्तों इसे हमने कर दिया बंद, चूज़े भी सारे अंदर आ गए 9 के 9 ही। और अब हम अपनी दूसरी मुर्गी खोलते हैं यहाँ से और ये बड़ी देर की बाहर आना चाह रही थी, वो बैठ गई है पीछे जाके, उठ रही है आएगी बाहर। और यहाँ पर हम थोड़ी गोभी रख देते हैं, गोभी के छिलके वगैरह खा लेंगे। और ये दोस्तों मुर्गी दोबारा जाके अंदर बैठ गई, थोड़ी देर के लिए बस निकली, वो भी एक चूज़ा बाहर नहीं निकल रहा था वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसके से मुर्गी दोबारा जाके बैठ गई अंदर। और अब हम अपने असील मुर्गे खोलते हैं और इनके आगे दाना रख रहा है और ये सारे आगे खड़े हुए हैं, किसी का पैर ना आ जाए, इन्हें साइड पर करें। चलो अभी ओए तू आगे फिर साइड पर हो जाओ,
चूजों को दाना डाल दिया। अब हमने गोभी और साथ में दाना बेचारा फिसल रहा है। दरवाज़ा करते हैं बंद और पानी रख दें इनके पास। और ये हमने पानी भी रख दिया इनके पास। और तो अब शाम होती जा रही है, तो अब हम इन्हें जल्दी से ज़रा इनका शाम का दाना डाल दें। और दाना मैं यहाँ से पकड़ लूँ तो अभी इन्हें हम डालते हैं। और ये पहले हम मास्टर लोग को डालते हैं, पहले इन्हें थोड़ा पीछे कर लें ताकि इनमें से कोई बाहर ना आए। तो ये रख दिया हमने, ये खाएं। अब इनकी बारी, और इनकी दोरी पकड़ लें। और ये मैं ऊपर रखूँगा क्योंकि ये बाहर आ सकते हैं। पीछे रहो, पीछे रहो। तो ये लो भी इनके पास भी रख दिया। और इन्होंने पानी गिरा दिया था सारा, इन्होंने अंदर गीला कर दिया था, वो मैंने सारा साफ़ किया कि यार इतनी मेहनत से मैंने रेत खुश की थी, दोबारा इन्होंने गीली कर दी। तो अब ये भी हो गए, तो ये दोबारा आ गए। इन्हें और चाहिए, इन्हें हम और दे देंगे। तो यहाँ से हम अपनी इस मुर्गी को डाल देते हैं क्योंकि इसे भूख लगी होगी। और ये छिलके वगैरह मैं इन्हें डाल देता हूँ मुर्गियों को, और ये खा लेते हैं। मुर्गी देख रही है, आ नहीं रही, हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, आ जाएगी अभी खुद ही। तो मुर्गी खाने के लिए आ गई है, उसे नज़र आ रहा था। अब ये चूज़ों को भी खिलाएगी, खुद भी खाएगी। और ये हम थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि पहले इनके पास बहुत ज़्यादा। और ये लो भी, अब खाओ। सबको डाल दिया, सील मुर्गा खड़ा हो गया यहाँ पर। ये देखें, इसके पास भी है, ये भी खाए। और पानी भी सबके पास है। ये दोस्तों सबको खाना मैंने डाल दिया, और अब काफ़ी शाम हो गई है। और अब यहाँ पर हमारी मुर्गियाँ ये भी खा के फारग हैं, और अभी खा भी रहे हैं कुछ, ये देखें। और यहाँ पर भी नीचे नहीं गिरना, कुछ खा रहे हैं और कुछ खा के फारग हैं। अब हमने सबको खिला दिया, हमारे चूज़े भी जो है थे उन्होंने भी खा लिया है। और देखिए वो मुर्गी ना अब बैठ गई है, अब चूज़े जाएंगे उधर सब। और मेरी वजह से उठ गई कि जैसे दोबारा कुछ खाने को आया पहले, ये तो दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने खाना। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, खुदा हाफिज़। चलो भाई दरवाज़ा बंद करें, चूज़े को ना लग जाए। अब वो क्या कर रही है, मुर्गी भी चूज़ों को लेके बैठ गई है नीचे। कोई चूज़ा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये आगे एक ब्लैक चूज़ा ये नज़र आ रहा है। और खाना इसका भी पड़ा हुआ, पानी वगैरह पड़ा हुआ, सुबह उठ के ये दोबारा खा लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना।